हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फिलहाल यहाँ पर चल रही है फ्रिज की सफाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर भी इसमें अंदर वैसे तो सारा साफ था, पर अंदर जैसे सब्जी बाई चांस कुछ सब्जी खिंच जाती है, और अब गर्मियों में पानी रखा गया तो अजीब से दाग पड़ गए थे, तो वो कपड़े से ऐसे नहीं जा रहे थे, तो इसलिए इसको बाहर रखकर और जब साफ किया था। और वो ये है कि हम एक साल में 2 बार तो कंपलसरी ऐसे बाहर निकाल कर करते ही हैं इसकी सफाई, होली और दीपावली पर, और बीच में भी बाई चांस ऐसा गंदा भी हो जाता है, तो हम फिर भी ऐसे बाहर निकाल कर सफाई करते हैं। तो यहाँ पर सब्जियों के भी पीले पीले दाग हो रहे थे, और ढक्कन में इसके कवर में अजीब सा वो शाइनिंग भी नहीं थी बिल्कुल भी, तो इसकी वजह से इसको बाहर रखा था। और मैंने होली पर अंदर किचन में साफ़ किया था इसको ऐसे ही, तो वहाँ पे किचन में डर लगता है कि ज़्यादा तेज़ पानी की छींट होंगी किसी और दूसरे सामान पर भी जाएंगी, तो इसलिए इस बार इसको बाहर रखकर साफ़ किया था। और इसको बाहर भीतर से सारे को साफ़ कर लेंगे अच्छे से, और इसकी चौकी भी साथ में। वो ये कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ फ्रिज में खिंड ही जाता है, और खिंडने के बाद आप फिर भी साफ़ कर लो फिर भी इसमें चमक नहीं आती, तो इस वजह से इसे काफ़ी अच्छी चमक आ जाएगी और एकदम न्यू न्यू सा लगेगा ये। और देखिए कितनी शाइनिंग आ रही है इसमें, और अब इस पर सूखा कपड़ा मार रही है दीदी, जो इसके पानी है वो सारा साफ़ हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल न्यू सा, और इसको थोड़ी देर रखेंगी बाहर, इसको खोलकर जो इसमें अंदर से महक सी है वो सब निकल जाएगी। उसके बाद इसको फिर रात के टाइम बाहर अंदर रखा था, और उस तभी फिर लाइट आ गई थी, तो तभी सारा सामान फिर इसमें एडजस्ट कर दिया। और ये सब फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर इसमें पीछे भी पानी इकट्ठा होता रहता है, उसमें भी अजीब सी स्मेल हो जाती है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना चूल्हे पर, चूल्हा भी अब तो रेगुलरली शाम का खाना तो रेगुलरली मैं चूल्हे पर बनाना ही पसंद करती हूँ, अब तो लगातार बन भी रहा है हमारा चूल्हे पर, कम से कम 3 साल तो करीबन हमारे चूल्हा चलाए भी नहीं था, कभी कभार बीच में चलता था, लेकिन तब से मैं दिल्ली से वापस लौटी हूँ तो तब से मैं चूल्हे पर बनाती हूँ, और तब जब से हमारे फौजी साहब आए तो इनको तो चूल्हे का खाना बहुत पसंद है। घर में अब सबको ऐसा शौक चढ़ा है कि सबको चूल्हे का खाना ही अच्छा लगता है, और मैं भी कंफर्टेबल रहती हूँ बाहर खुले में बैठकर बनाने में, अंदर तो किचन में बहुत वैसा लगता है, गर्मी सी हो जाती है, पूरी उमस हो जाती है, और सर्दी में भी चूल्हे पर मन करता है क्योंकि उसकी गर्माई सी आती रहती है, और गर्मी में भी खुले में कम से कम ऊपर की बाहर चारों तरफ की हवा तो लगती रहती है, और चूल्हे का खाना वाकई में टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी रोटी, सुबह का खाना कुछ भी बनो मैं नहीं बनाती हूँ चूल्हे पर, कोई भी नहीं बनाता है सुबह के टाइम, बस कभी कढ़ी वगैरह ऐसी चीज़ें बनानी होती है तो बना लेते हैं, वरना सुबह का खाना तो चूल्हे उस पर गैस पर ही बनाते हैं, शाम के टाइम सब्जी वगैरह भी सब गैस पर बनाते हैं, कुछ वैसी बनती है तो बना लेती हूँ कढ़ाई में चूल्हे पर, वरना सब कुकर में गैस पर ही बन जाती, पर रोटी मैं इस पर ही बनाना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर मैं साथ के साथ रोटी बनाकर और इनको मक्खन लगाकर रख दूंगी, और यहाँ पर बच्चे भी खेलते फिर रहे हैं। तो आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी। दोनों देवरानी जेठानी काम पर लगी हैं, दीदी फ्रिज साफ कर रही है और मैं इधर खाना बना रही हूँ, और खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी रूम में अपनी अलमारियों को समेटने के लिए। वो ये कि कपड़े बिल्कुल ऐसे हो रहे थे उल्ट पल्ट, इसमें ये रहता है कि कपड़े 3 हाथों से तय होते हैं, मम्मी भी तय करती हैं, दीदी भी करती हैं, मैं भी करती हूँ, तो तीनों अपने अपने तरीके से करते हैं, तो बस उसी हिसाब से कपड़े की सेटिंग बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बाबू के कपड़ों की तय करके उनको लगा दूंगी, कुछ कपड़े इसमें ऐसे भी हैं जो मुझे निकालने हैं, बाबू नहीं पहनता, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो पहनता है, तो मैं ऐसे कपड़े सारे निकाल कर अलग कर लूँगी जो विवान नहीं पहनता है, और कुछ कपड़े नैन्सी के भी हैं इसमें क्योंकि मम्मी को पता नहीं चलता, कुछ शॉर्ट्स वगैरह ऐसे हैं दोनों के सेम से, तो
तो मुझे इसमें भी वो नैन्सी का कपड़े भी निकालने हैं इसमें से, तो सबकी अच्छे से तह लगा लगा कर सेट कर लूँगी। और मैं बाबू के कपड़े 3 तह में करके रखती हूँ, एक में इसकी जींस रखती हूँ, एक में इसके सारे शॉर्ट्स और एक में इसकी टी शर्ट ये रखती हूँ। और समेटे समेटे से कपड़े रहते हैं तो रूम भी अच्छा लगता है, कपड़े रखे हुए अच्छे लगते हैं, और जो बिखर सी जाते हैं कपड़े तो बड़ा अजीब सा लगता है। बस मेरे कपड़े तह लगाने के उसमें ही थोड़े चेंज सा हो जाता है, क्योंकि तीनों की तह हमारी अलग अलग होती है। तो देखिए काफ़ी सारे कपड़े मैंने इसमें से विवान के निकाले हैं जो वो नहीं पहनता था, क्योंकि आजकल के बच्चे तो कपड़े भी, छोटे छोटे बच्चे भी कपड़े अपने पसंद के पहनते हैं, अपनी पसंद के, जब भी इसको जिद चढ़ती है अपनी पसंद के कपड़े निकलवाता है विवान, कि मेरे को ये वाले नहीं, मेरे को वो वाले पहनने हैं। उसको ये भी पता है कि कौन से कपड़े किसने दिलाए हैं, कभी तो मामा ने जो कपड़े दिलाए वो पहनूंगा। तो बस करना पड़ता है बच्चों के लिए ये सब। और फिर जो जो बाकी के कपड़े कुछ छोटे भी हो गए हैं, कुछ वैसे हैं, तो उनको उठाकर मैं अलग रख दूंगी, उनको मम्मी बाद में जैसे करेंगी कर लेंगी, किसी को देने आए, पर देते तो नहीं है, बोलते कि इधर जेठे बालक के कपड़े किसी को नहीं देते, मतलब के शुरू वाले बच्चे के। और यहाँ पर मैं पहले विवान के कपड़े लगा रही हूँ, ये देखिए इस साइड लगा दूंगी मैं विवान की सारे जीन्स, और इस साइड लगा दूंगी विवान के सारे शॉर्ट्स, और यहाँ पे लगा दूंगी विवान की टी शर्ट, और ये बराबर में जगह है इसमें लगा दूंगी विवान के अंडरवियर और बलियान वगैरह ये। तो ये देखिए जब कितने सारे कपड़े थे, मैंने कितने कपड़े निकाले इसमें से, जब तो काफ़ी सारे कपड़े थे, पर एकदम अच्छे से सेट हो गई है। और यहाँ पर विपिन के और मैं अपने कपड़े भी सेट कर लूँगी, क्योंकि इसमें मेरे भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि मुझे निकालने हैं अलग, और विपिन के भी मैं टी शर्ट वगैरह रखती हूँ खाली अलमारी में, और तो सारे कपड़े इनके अलमीरा में ही रहते हैं सेफ में। और मैं अपने भी, अपने विवान के और विपिन के तीनों के, मैं जो डेली रेगुलरी पहनते हैं हम लोग, वही कपड़े बाहर रखती हूँ, क्योंकि अलमीरा में भी इतना वो नहीं, फिर बार बार उसको पूरी अलमीरा भी बिगड़ जाती है रोज़ कपड़े निकालने में और रखने में, तो इसलिए मैं तीनों के कपड़े यहाँ पर तह लगा कर रख देती हूँ। और ये है मेरी सारी सूती दुपट्टे कॉटन के, जो कि गर्मी में कंफर्टेबल, मैं इन्हीं में रहती हूँ, एक साइड दुपट्टे दुपट्टे लगा देती हूँ, क्योंकि जारजट के और वैसे कपड़े जो सूट के दुपट्टे होते हैं तो वो तो गर्मी में नहीं ओढ़े जाते, पसीने भी आते हैं तो मुंह भी पोंछना पड़ता है, तो इसकी वजह से मुंह छिल जाता है उनमें। अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं फिर सूट के साथ के पहन लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने विपिन के भी लगा दिए हैं, इनके भी ये शॉर्ट्स वगैरह और टी शर्ट वगैरह रखी हैं, और बाकी कपड़े सब सेफ में सेट कर दिए मैंने। और अभी मुझे एक दिन सेफ भी जमानी है अपनी। और यहाँ पर ये मेरा मेकअप का सामान जो है उसको भी सेट कर लूँगी, वो भी सारा बिखरा सा पड़ा है, और इसको निकाल कर सारा मैं रख लूँगी यहाँ पर बेड पर, फिर आराम से बैठ कर इसको सेट करूँगी। इसमें से भी कुछ सामान बेकार है जो मुझे निकालना है। तो यहाँ पर मैंने बाबू को गुट्टी पिलाई थी, क्योंकि वो कभी कभी मिट्टी खा लेता है, तो इसके लिए मैं उसको एस्ट्रो कैल्शियम की गुट्टी देती हूँ। और यहाँ पर मैं अपना सारा सामान पोछ पोछ कर सारा इसमें सेट कर लूँगी, ये भी उलट पलट हुआ पड़ा था सारा, और कुछ इसमें बेकार है जो कि मैं उसको निकाल दूँगी। तो सारा सामान अच्छे से, क्योंकि डेली में इतना टाइम नहीं लग पाता कि मैं डेली डेली इनको साफ़ करवाऊँ, फिर भी जितना होता है मैं इनको समेटती रहती हूँ, जॉइंट फैमिली है, बहुत काफ़ी काम हो जाता है, तो आप भी समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर सारा अच्छे से सेट कर कर रख दूंगी। कुछ मेरे नेल पेंट थे जो पुराने सूख सूख सी गए थे, और कुछ ऐसे थे जिसको मैं नहीं लगाती हूँ, तो मैं वो सब निकाल दूंगी इसमें से।
क्योंकि आज मैंने दोपहर से ही मन बनाया कि आज मैं शाम को खाना जल्दी बनाने के बाद आज मेरे को रूम क्लीन करना ही करना है थोड़ा थोड़ा। वो ये एकदम से सारा तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं अच्छे से कर लूँगी। और मैंने अपनी नेल पेंट और लिपस्टिक वगैरह सारी इसे उसमें लगा दी है बकेट में छोटी सी में। और अभी मुझे एक दो बकेट ऐसी छोटी और बास्केट लेके आनी है, और इस वाली बास्केट में रखती हूँ मैं तेल पाउडर वगैरह इनके। ये कुछ परफ्यूम है, दो या तीन परफ्यूम है जो कि खाली हो गए हैं, इनको मैं निकाल दूँगी जरा हमारा साइन में। तो मैंने ऐसे रूम में लगा दिया था, और यहाँ पर बाबू भी आ गया था विवान, तो इसको भी नया नया सामान देकर खेल आता है कि इसमें क्या है इसमें क्या है। डर भी लगता है बच्चे से कि तेल की शीशी वगैरह लेकर गया तो खिंडाई देगा और फिर उस पर फिसल कर गिरेंगे ही गिरेंगे सब। तो यहाँ पर इनको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, और यहाँ पर मैं इनको रख दूंगी। क्योंकि इस बास्केट का इनका काफ़ी प्रॉफिट है कि सामान फैला फैला नहीं रहता, एक जगह समेटा रहता है। तो यहाँ पर मैं दूसरी वाली अलमारी का भी सामान साफ़ कर दूँगी। ये देखिए सारा सामान सेट हो गया है। एक उसमें मैंने ये बिंदी वगैरह जो बिंदी के पत्ते होते हैं ये मैंने एक उसमें डब्बे में रखे हैं अलग, जिससे कि सारे में फैले फैले ना रहें। और इधर कपड़े देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं अब रखे हुए।